हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है उनका अगला कदम। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा मैंने पोल वोट किया था, जिसमें मैंने सभी से पूछा था कि बताओ कौन से टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाऊं। तो आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट वोट उनका अगला कदम को दिया। ठीक है, तो चलिए वो करेंगे। उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे सुझाव भी दिए कि दीदी ये टॉपिक पे हो सकती है। तो यार थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैं उस टॉपिक्स पे भी बहुत जल्द रीडिंग करने वाली हूँ, तो बने जरूर रहिएगा ताकि आप लोगों का भी टॉपिक कवर किया जाए इन फ्यूचर। ठीक है, मैं जरूर वैसे वीडियोस बनाना शुरू करूंगी। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक है उनका अगला कदम। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी और साथ ही साथ जर्नल रीडिंग भी होगी। जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो कितने लोग पिकर कार्ड देखना चाहेंगे, तो पिकर कार्ड भी इन फ्यूचर मैं अब बना लूंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं कैमरा की सेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सीख गई हूँ। जो मेरा न्यू कैमरा है, अगर बहुत समय से आप लोग देख रहे थे तो आप लोगों को पता होगा कि न्यू कैमरा के कारण मैं रुकी हुई थी, बट अब बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए पिकर कार्ड भी बनाना शुरू कर दूंगी। ओके, सो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आप अपने पर्सन का अच्छा मेमोरीज याद करो। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन का अगला कदम यानी कि उनके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये ऑब्स्टेकल कार्ड है। मैं केल्टिक क्रॉस आप लोगों का फेवरेट यूज कर रही हूँ। ओके, द टावर ऑब्स्टेकल कार्ड में आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, ओके, मतलब डेविल बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है, द सन, टेम्परेंस, टेन ऑफ वॉन्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, सो मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है आप जिनसे डील कर रहे हैं, ये टावर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरी, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एयर साइन की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। ठीक है, काफी स्ट्रांगली मुझे लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रही है, लिब्रा हो सकते हैं काफी। ठीक है, मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आपके पर्सन किसी तरीके से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीजें मन मुटाव आई हैं, यानी कि जो भी क्लैशेस या जो भी इश्यूज आए हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, क्योंकि मेंटेनेंस के बारे में मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं। लाइक होता है ना कि किसी चीज को खराब करने के बाद, समझो कोई, मान के चलो ये अब आपके सामने कार्ड है, आप देख सकते हो ये पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये पेंटिंग चालू है, ये पेंटिंग में पहले, बहुत पहले इनसे कुछ बोलते हैं ना, कलर गिर गया था, कुछ ना कुछ खराब हो गया था, और अब ये वो कलर्स को कैसे ठीक करें इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए, आपके साथ जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो कैसे बेटर करके उससे आगे बढ़ा जाए। यूनिवर्स मुझे बताए हुआ क्या था, हुआ क्या था इन दोनों के बीच में। यूनिवर्स मुझे बताए इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या हुआ था। ओके, नाइन ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स। ओके, सो मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने जिंदगी में इनके साथ आगे ग्रो करना चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे, इनके साथ लाइफ टाइम आपने प्लान्स बना लिए थे, बट आपके पर्सन ने एकदम नजदीक किनारे के, एकदम बोलते ना, मुझे से दिखाई दे रहा है एकदम किनारे तक आकर ही आपको सडनली गोस्ट किया है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाल दी है। स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और काफी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, यानी कि नशा है एक दूसरे का, आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग ये फील करते हो नशे वाली बात, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ फील करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की सोल कनेक्टेड हो गई है, ये सोल टाई कनेक्शन है। ठीक है, सोल टाई यानी कि आप दोनों की सोल में नॉट लग चुकी है, आप दोनों की आत्मा में नॉट लग गई है, एक अजीब सी, वो नॉट कट नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये नॉट जो है आप दोनों के बीच में और ज्यादा खिंचाव लाती है, और ज्यादा मैग्नेटिक पुल लाती है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, काफी मुझे ऐसे मैसेजेस आए थे कि दीदी मुझे क्यों सामने वाले पर्सन के सपने आते हैं, मैं तो दूर हो रही हूँ, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैं मेरी लाइफ में ये क्यों बार बार मुझे इसके ड्रीम्स आते हैं। लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, जो लोग मुझे इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे पूछ चुके हैं, मैं उनको बता दूँ सपने इसलिए आते हैं क्योंकि टेलीपैथी हो रही है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोल टाइज हैं, आप दोनों के बोलते ना आत्माएं नॉट की हुई हैं, आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी कर सकते हो बड़ी आसानी से, जानकर आप लोग नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में जब ज़्यादा सोचने लगते हैं, यहाँ पर आप जो है आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना सिग्नल भेज रहे हैं।
या आपके सपने में सडनली आना, जो भी आप सपने में देख रहे हो वो उसी से रिलेटेड होता है, वो जो सोच विचार कर रहे हैं उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में टेलीपैथी, मतलब ये कैसा कम्युनिकेशन होता है मैं बताती हूँ। सामने वाला जो है, आप जो कुछ सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फॉरेन एग्जांपल आप मन में सोच रहे हो कि अरे वो मुझसे बात कर ले, वो मुझसे बात कर ले, वो और मैं बात करेंगे तो ऐसा होगा, लाइक आपने हैप्पी मोमेंट भी इमेजिन कर लिया और देन आपने लेट गो कर दिया। सडनली उनके सपने में वही आएगा कि उन्होंने आपको लाइक कॉल किया और वो आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको इमेजिन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपके बारे में सपने में देख रहे हैं। इसको टेलीपैथी कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हो अपने लेवल पे। ये जो आप लोगों के बीच में हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है कि आप इनके सपने बहुत देखते हो, ठीक है, ये भी देख रहे हैं, ओके। इनकी पास्ट की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि इन्होंने कुछ गलतियां जरूर की हैं, इन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, किनारे पर आकर सडनली आपका हाथ छोड़ा है, एकदम नज़दीक में आकर जहां पर आप लोग दोनों का गोल पूरा हो सकता था, आप लोग दोनों आगे बढ़ सकते थे, सडनली इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया और चले गए, और चली गई भी हो सकती है, जिसके कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा मनमुटाव आया। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली, कुछ लोगों को बिना क्लैरिटी दिए ही गायब हुए इनके पर्सन, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ इविल माइंडसेट था इनके ऊपर, कोई थर्ड पर्सन भी बहुत ज़्यादा हावी हुआ है, ठीक है, किसी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कह सकते हैं, या किसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गए जिसके कारण ये आपसे दूरी बनाई। प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके इर्द गिर्द के ही लोग थे जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यूनिवर्स डेविल को कार्ड, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन सडनली बहुत चेंज हो गए थे, बहुत ज़्यादा रातों रात जैसे अजीब सा बदलाव आ गया इनके अंदर। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रहे थे आप लोगों के साथ, लवी डवी जो भी है, कुछ पूछी जो भी है चल रहा था, सब कुछ बहुत बैलेंस था, मैसेजेस चार चार बार बोलो पचास पचास बार एक दूसरे को करना, खाना खाया नहीं खाया सब कुछ बहुत रूटीन में था। बट सडनली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका बर्ताव आपके प्रति बदला, सडनली आप जो है इनके ट्रांसफॉर्मेशन को झेलने लगे और आपको समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। बिना वजह का या तो गुस्सा आया, बिना वजह के आंसर्स देने से दूर भागने लगे, या किसी तरीके की अगर आपने इनको स्टैंड लेने को बोला तो ये स्टैंड लेने की जगह बैकआउट कर गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सडन ही हुआ है ये सब, बहुत अचानक से, क्योंकि टावर का कार्ड जो मैं देख पा रही हूँ ऑब्स्टिकल के कार्ड में, वो भी मुझे यही कहता हुआ दिख रहा है जैसे कि सडन एकदम, कहते हैं ना रातों रात नॉर्मली पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, अचानक से सब कुछ हुआ और आप जो है लाइक बहुत ज़्यादा गारंटीड थे इस पर्सन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि ये पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी लिखी हुई है, इस पर्सन के साथ आपका लाइफ आगे चलने वाला है, लाइक कमिटमेंट होगा आप लोग दोनों के बीच में, लाइक बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सब धरा का धरा रह गया आपके पर्सन के कारण। पूरी तरह उन्हीं को ब्लेम नहीं करेंगे, कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों के बीच में आपके थ्रू भी हुई हों, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बैक स्टेप लिया है, बट अब वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी उन्हें बेहतर किया जा सके। सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, आप दोनों एक दूसरे से सब मिले, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटिमेसी हो दोनों के बीच में, फिजिकल लेवल पे कनेक्शन हो सके। तो सन का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं, लाइक मैरिज या कमिटमेंट या किसी तरीके की, कह सकते हैं ना कि प्रॉपर डायरेक्शन इनके साथ चाहते हैं, लाइक इनका प्रॉपर क्लैरिटी चाहते हैं कि ये भाई करना है आगे, हमें ऐसे बढ़ना है। बट ये पर्सन जो है बहुत घुमा कर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके मन में, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार जो ये मांग रही है क्यों ना मैं इसे दे दूं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के गिर देख कर दिखाई दे रहा है। सडनली लक बदलने जैसा कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। ये लोग फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, यस 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 यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप जो है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इनसे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर क्लैरिटी दें, ये प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट दें, ये प्रॉपर तरीके से आएं और खुलकर आपसे कहें कि एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, और ये आपको घुमा घुमा कर कन्फ्यूज़ ना करें। दोनों हाथ में लड्डू इन्हें नहीं मिलेंगे, आप यही चाहते हो कि चुनना है तो किसी एक लड्डू को चुनो, वही खाने को मिलेगा। दोनों हाथ में मैं तुम्हें लड्डू, यानी कि दोनों बैलेंस जगह नहीं करने दूंगी या नहीं करने दूंगा, यानी कि थर्ड पार्टी और मुझे साथ में रख के इन्जॉय करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कोई निर्णय लेना होगा और उसके बाद ही आगे आना पड़ेगा, और ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके कारण दिमाग में इनके चल रहा है कि क्या मैं इसे कमिटमेंट दे दूँ। टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर ये पर्सन जो है आपको डिनायल दे देंगी, लाइक
हो सकता है कि आप इन्हें अप्रोच करेंगे या बातचीत होगी दोनों के बीच में तो डिनायल होंगे या कम्युनिकेशन नहीं करेंगे इन ईयर फ्यूचर, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 7-8 दिन और बात नहीं होगी आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों पे रिजोनेट करेगा, कुछ लोगों पे नहीं करेगा। 7-8 दिन और आप लोगों से बात नहीं होगी इस टॉपिक पे। ये पर्सन आपको डिनाय कर देंगे, ये बैलेंस बनाएंगे अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि आपसे दूर रह सकें, किसी तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तरफ बहुत फोकस रहेंगे, फैमिली की तरफ बहुत फोकस रहेंगे। आपको ज़्यादा बोलते ना ट्रबल वाली फीलिंग आएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार क्या है, ये पर्सन हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्लैरिटी क्यों नहीं देते, हमेशा रिजेक्शन आपको क्यों फेस करना पड़ता है, डिनायल आपको क्यों होता है फेस करना पड़ता है, जिसके कारण आप थोड़े अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है इनके दिमाग में है, बट ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये खुद को बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सबका वजन इसने ले लिया है, इस पर्सन ने ले लिया आपके। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये आपकी भी सुने, घर वालों की भी सुने, सबकी समझे और इनको समझने वाला कोई नहीं। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, गिविंग नेचर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे इनके मन में वो ख्याल हैं, वो थॉट्स हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। बट इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर और बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। हालांकि मुझे आपके साथ जस्टिस होता हुआ, न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी अगर इन फ्यूचर ये सॉरी इन योर पास्ट, यानी कि आपके पिछले समय में अगर पिछले कुछ समय से आपने परेशानियां झेली हैं और ये पर्सन ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया, तो अब कर्मा काम करेगा अपनी तरफ से। जस्टिस होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। क्या बात है, ब्लश कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग फेस करनी पड़ी इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपके पीठ पे छुरे घोंप दिए कई हद तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने इनसे उम्मीदें रखी, इन्होंने आपका उम्मीद तोड़ दिया। बट अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कर्मा अच्छे लेवल पे काम करेगा। जस्टिस यानी कि न्याय मिलेगा आपको अब, क्योंकि ये न्याय के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत समय से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, जिसके कारण ये अब सुधारना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स यस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, हो सकता है ये हीलिंग आप इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने थ्रू, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि इनकी सोल, इनकी आत्मा में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। इनमें कहीं ना कहीं वो चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सनैलिटी चाहते हैं कि ये कोई निर्णय ले, कोई डिसीजन ले, क्योंकि ये भी दो जगह लटक लटक के अब थक चुके हैं। अब इनको भी दो जगह नहीं लटकना है, ये भी चाहते हैं कि कोई एक प्रॉपर निर्णय ले, कोई एक जगह प्रॉपर कमिटमेंट दे जहाँ पर ये आगे बढ़ सके। ठीक है, इन्होंने कोई निर्णय ले लिया है और ये काफ़ी हद तक आपके हित में लग रहा है। जस्टिस आपके पास आ रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड मेरे सामने है, इच्छा पूरी हो सकती है। जैसे कि लगता है आपके सामने खुद जीनी आकर खड़ा हो गया और आपसे बोल रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो मेरे आका। तो ये सोच समझ कर मांगना, मैनिफेस्ट उन चीज़ों को करो, नेगेटिविटी को नहीं करो। ठीक है, तो हमिट का कार्ड क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स ओके, शादी तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा शादी की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऑफर आ सकता है इनकी तरफ से, शादी का प्रस्ताव आ सकता है। इस रिश्ते में एक बड़ी चढ़ान, यानी कि एक बड़ा पढ़ाव चढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। अब इनका अगला कदम ये होगा, इनका अगला कदम ये डिसीजन होगा जहाँ पर ये चाहेंगे या ये चाहेंगी। ठीक है, लड़का लड़की अगेन कोई भी हो सकता है, एनर्जीज पे फोकस करें, जहाँ पे ये डिसीजन लेंगे कि बस बहुत हुआ, अब निर्णय लेना पड़ेगा, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा इनके साथ, ताकि आपको लेकर ये ग्रो कर सके। लाइक आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत लोगों के लिए मैरिज की है, ठीक है, शादी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनकी तरफ से शादी का प्रस्ताव आने की बड़ी संभावनाएँ हो चुकी हैं। आपने जो भी चीज़ें की, जो भी फेस की, जो भी आप लोगों ने तकलीफें सही हैं, वो तकलीफ का अंत आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है। ये कमिटमेंट कब तक मिल सकता है? 3 महीने के अंतराल आता हुआ दिखाई दे रहा है, विद इन 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्तों के अंदर होगा ये। ठीक है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इसीलिए अपनी हीलिंग जारी रखो, हीलिंग बंद मत करना। आप लोग जो भी चीज़ें कर रहे हो अपने अंदर स्पिरिचुअल जर्नीज में, जो भी चीज़ें आप एक बोलते हैं ना चक्रास को हील करने के लिए, मेडिटेशन, ये वो जो भी चीज़ें आप कर रहे थे रियूनियन के लिए, वो चीज़ें जारी रखो, बंद नहीं करना है, क्योंकि आप ही के थ्रू इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, जिसके कारण ये पर्सन आपके बारे में अब सोच रहे हैं, आपसे शादी करने के लिए इनका अप्रोच तैयार हो चुका है। क्या बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो छुपा रहे हो, क्या बात है। इनका अगला कदम बहुत बेहतरीन है और बहुत जल्द आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे, लॉटरी लगने जैसा कुछ होगा,
किस्मत जो भी आपके साथ बिगड़ा है उसे ठीक करेगी और काफी हद तक अब होगा जस्टिस। वाह रे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खुशी हुई देखकर। ओके सो अब मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। वेट, अब साईं बाबा के डेक से भी कुछ निकाल लेते हैं मैसेजेस। साईं बाबा मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओम साई राम। ओके, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहो, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अगर लाइफ पर्पस के प्रति या अपने कर्मा के प्रति आप लोग एक्टिव हो, हीलिंग कर रहे हो, खुद की स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकनिंग कर रहे हो और साथ ही साथ लोगों की भी मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, परोपकार का भाव, सेवा का भाव जारी रखा है, तो बहुत अच्छा है। इसको कंटिन्यू करो, बंद मत करो। जो लोगों ने नहीं चालू किया है, अपने लाइफ गोल्स पे ध्यान दो, आप अपने जीवन में अपने कर्मास पे ध्यान दो। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, क्योंकि फल आपको ईश्वर देगा जरूर, ठीक है। फल की लालच में आगे मत बढ़ो, ठीक है, ये आपके दिल से निकलना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। ओके, दूसरा, भरोसा और आस्था। अपने भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, यानी कि आपका यूनिवर्स पे विश्वास ज़्यादा होना चाहिए, ना कि आपका डर हावी होना चाहिए। आपका डर आपके ऊपर मजबूत नहीं होना चाहिए, सिर्फ डर ही रहे हो, बार बार सोच रहे हो शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, और उसके बाद बोल रहे हो यूनिवर्स शायद तू कर ले, या तेरा भरोसा है। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है, पूरा दिन डरे रहते हो और पूरे दिन में एक बार मुझे याद कर लेते हो और बोलते हो कि क्या हो जाएगा। तुम्हारे अंदर डर ही तुम्हारा इतना हावी हो चुका है, तो मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो काफी हद तक इसलिए ये मैसेज आप लोग के लिए आया है कि अपने अंदर डर को हावी मत करो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ओके, थम्स अप, यू टेस्ट द थंडर। यस, दीदी कुछ नहीं बोलती है। हम मैसेजेस देख लेते हैं इनके हैंड रिटन। यूनिवर्स मुझे बताएं जान का मैसेज, इनकी जान जाने मन का मैसेज क्या है इनके लिए। थोड़ा नीचे से भी निकालेंगे हम मैसेज, कुछ ज्यादा नहीं हो गए, चलो ठीक है पढ़ ही लेते हैं। सो सबसे पहला मैसेज, डोंट कंप्लेन और स्टॉप काउंटिंग योर इश्यूज। अपनी गलतियों को, अपने तकलीफों को गिनना बंद करो, भगवान के लिए बंद कर दो रोना गाना पीटना, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो वापस नहीं आई, ये सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो, बस हो गया, बहुत रो लिया, ठीक है। रोने वाले अगर बैठे रहे ना, अभी तक रोते रहे ना, तो जिंदगी में फिर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आगे बढ़ोगे, जोश लाओगे, स्ट्रेंथ लाओगे, मोटिवेशन लाओगे, तभी जाकर कुछ बात बनेगी, ठीक है। आई लव यू फॉरएवर वाला, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बड़ा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग मुझे क्लिक हुआ है, सुनना जरूर, आपसे कहीं ना कहीं इसके लिरिक्स कनेक्टेड होंगे। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, क्या किया है आप लोग ने, सच सच बताओ क्या किया है इनके मन में, आप इतने क्यों छाए हुए हो, आप इनके माइंड पे हर एक सेकेंड बैठे हुए हो। अच्छी बात है। सो You need to release the negative energy ASAP. इसका मतलब है जल्द से जल्द अपने मन का डर खत्म करो, अपने ऊपर अपना डर हावी मत हो रखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जारी रखो, मेडिटेशन चालू रखो। फेब, दिसंबर, अक्टूबर शादी का समय हो सकता है, आपके महीने हो सकते हैं, नहीं, एनिवर्सरीज, बर्थडे, शादी का भी हो सकता है डेट निकला है, ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्या बात है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सी गजल कह सकते हैं, सुनना जरूर, ये आपके पर्सन के फीलिंग्स हैं। लड़की हो तो भी सुनना, इसमें फीमेल वर्जन भी अवेलेबल है। ओके, मेंटेन साइलेंस एंड पीस बिटवीन यू बोथ, शांत रहो, शांति बसा, शांत बसा, वो क्या बोलते हैं, शांत बसा। अभी धीरे धीरे समय है, आपके हित में होगा, बस आपको कुछ करना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन यस, अप्रोच करेंगे तो बात करो, बिना बात के ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि खुद ही सब चीज़ें होंगी। जब आपको अप्रोच किया जाए, थोड़ा पॉजिटिव लेवल पे बात करो आप। थर्ड पार्टी इज गेटिंग हर्ट, तो थर्ड पार्टी की अगर आपने जाने अनजाने थर्ड पार्टी ने आपको हर्ट किया है, अगर किसी भी थर्ड पार्टी ने, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसने आपका दिल दुखाया है, तो अब उनकी बारी है, उन वो हर्ट होने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बढ़िया है यार, नहीं नहीं, किसी का दुख मुझसे नहीं देखा जाता थर्ड पार्टी के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हर्ट हो, भगवान करे उनका भी भला हो। और आप भी ये सोचो मत कि अच्छा अच्छा हुआ अच्छा हुआ, नहीं ऐसा मत सोचो, नॉर्मल रहो, ठीक है। आप लोगों को खुशी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को चिढ़ाना है, नहीं करना है, ठीक है। मिसिंग यू बैडली, आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या बात है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग सही नहीं है आपके लिए।
यू आर नॉट फीलिंग द सेम फॉर दिस पर्सन. शायद आप लोगों के मन में कुछ भावनाएं बदल गई हैं आपके पर्सन के प्रति. हो सकता है आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपके मन में इनके इनको पाने का लालच नहीं रहा, बट जस्ट कैजुअली आप रीडिंग्स देख रहे हो कि बोलते ना कि एक होता है ना मन की शांति के लिए कि ठीक है शायद आ जाए, शायद हो सकता है कुछ हो जाए. लाइक होता है ना कि मन में सिर्फ जानकारी रखने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है. ओवरऑल हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो. जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उनके लिए ऐसा फील करना, लाइक अपने पर्सन के लिए सडनली फीलिंग्स चेंज हो जाना, ये स्वाभाविक है, ये होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है. ओके, फेक आईडी और फेक स्माइल, फेक आईडी या फेक स्माइल के साथ ये आपको जो है जांच कर रहे हैं आपके बारे में, हर पल की खबर रख रहे हैं, फेक आईडी बना बना कर आपके पीछे लगे हुए हैं, या झूठी हंसी दिखा रहे हैं कि देखो मैं बहुत खुश हूँ पर अंदर से टूटे हुए हैं. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओके, लास्ट मैसेज भी बेहतरीन है. एक बेहतर कल की शुरुआत आने को तैयार है, अपने आप को रेडी रखो, ठीक है. सो खुश हो जाओ. सबसे बेहतरीन रीडिंग थी आज, बहुत मज़ा आया. सो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो डेफिनेटली क्लेम करो. रिजोनेट हुई है अगर तो नीचे क्लेम करो, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स, लिखो ये, ठीक है. उसके अलावा मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो. एंड येस, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने दे दिया वीडियो पे, आप वीडियो पे से नंबर निकाल दो और उसमें से व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो. ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली याद रखना कि कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है. एक और स्ट्रिक्टली नोट, किसी भी कारणवश पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है. और कोई भी अन्य मैसेज करना है, भाई थैंक यू, तारीफ, ये वो, जो भी चीज़ें आपको कमेंट में बोलनी है वो कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं सब पढ़ती हूँ. आप लोगों को लगता होगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ बट सवाल जवाब नहीं देती. मतलब कमेंट बॉक्स में अगर आप ये भेजोगे कि राजू क्या प्रिया से मिल जाएगा, तो यार मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी. मैं हर 24 घंटे कार्ड लेकर नहीं बैठी रहती, आप लोगों को बात समझनी होगी, ठीक है. इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे छोटे पिक कार्ड्स डाल रही हूँ, उसे एंजॉय करने के लिए जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. बाकी चैनल्स की लिंक्स भी मैंने दे दी है, आप वहां भी मुझे फॉलो करो, बिकॉज मैं कभी भी कहीं भी लाइव आती रहती हूँ, तो कभी लाइव सेशन में मुझे क्वेश्चन एंड आंसर्स का मौका मिल पाता है, लाइक आप लोगों के लिए कुछ रीडिंग कर सकूँ, तो मैं फ्री में तब करती हूँ लाइव में, ठीक है. उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाना है तो उसका नंबर भी मैंने दे दिया है, ठीक है. सो अभी के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो और मन में मोटिवेशन कायम रखो, अपने डर को हावी मत होने दो, ठीक है. बाय, टेक केयर, ओम साई राम.